सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग। टूडे इज माई बर्थडे। सो गाइज, हम आए हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो सेलिब्रेशन तो कुछ हुआ नहीं, भिखारी लोग ने केक वेक नहीं लाए हैं, ठीक है, घर में काट के आया हूँ मैं, ठीक है। और इनको फ्री में पार्टी दे रहा हूँ गाइज। तो देव भैया, आप मेरे बर्थडे में क्या में गुलाबी ढाबा है मेरे बर्थडे में क्या कहना चाहते हैं आप बर्थडे के उपलक्ष्य में? हाँ, तो भाई ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन भाई के जितने दोस्त थे सब घंटमरे और भिखारी हैं, है ना, उनको ये पार्टी चाहिए थे मतलब। और किसी किसी को तो ऐसा है कि टाइम भाई देने पार्टी करने में कितना मजा आता है आपको पता है गाइस। रात में तो हमारे एक दोस्त है राहुल गौर से, उनको बोलते हैं वो दिन में आओ हम दुकानदारी जाएंगे, 200 रुपए के काम करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि दिन में पार्टी करेंगे। अब हम के नल्ले बैठे हैं मतलब कि तेरी दुकानदारी के चक्कर में हम दिन में पार्टी करें। गाइस तुम लोग बताओ, दिन में पार्टी करती है रात में करते तो मजा आती है बताओ? हमारा अब वो कहता है दिन में आओ, गरीब आदमी बहुत बताओ। और ये अर्जुन भाई के दोस्त ये कहाँ गए, ये दिखाओ, एक वो किधर गए, वो आजे 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 डियर। उनके पास पैसा नहीं रहता, लेकिन घूमने और अयाशी और रैली में जाने के लिए उनके शौक देख लो ये। और और अरे हाँ सुमित ऑफिशियल, क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम इतना ही कहना चाहेंगे, खुश रहो। गाइस मैं कहना चाहता हूँ मेरा अर्जुन भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस उसके लिए एक जीप चाहिए। तो कृपया अगर आपके संपर्क में कोई लड़की या कोई छक्का भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि अर्जुन भाई का फर्स्ट फर्स्ट में काम चला लेगा, है ना। अगर लाइव चला रहा है साउंड सिस्टम में को साउंड सिस्टम के लिए बोलना, बैठना भी है ना, वाह। हाँ तो इट्स माय सीट, सो यू कैन नॉट। सो ये बच्चा क्या बोल रहा था अभी, ये बारी राहुल आ गए। तो आज मैं राहुल गोरती के लिए और नितिन के लिए, नितिन कारावो वाला उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, नितिन भोसड़ी के। हम बुला रहे थे तेरे को, पार्टी दे रहे हैं, पैसे हमारे लग रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, गाड़ी पहुँचवाने वाले थे। ये देव साहू ने बोला कि गाड़ी मत पहुँचवा, बोले नितिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बोले उन्होंने बोला भाई नितिन को बुलवा लेते हैं। नितिन भाई और राहुल भाई के लिए हमेशा लॉयल हूँ, लेकिन वो अब क्या बोल सकते, नहीं आना जिसको नहीं आना उसको हम जबरदस्ती तो बुलाएंगे नहीं भाई। उनके घरवाली की प्रॉब्लम और बीबी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम बहुत होती है जमाने में। बस अर्जुन भाई के बर्थडे में नहीं आ रहे, शर्म कर लो। अर्जुन भाई कितना अच्छा आदमी है, हर किसी के बर्थडे में आता है, भलाई पैसे लेके नहीं आता, लेकिन खाने जरूर आता है, यह सोच के आते तुम। आईफोन से फोटो बेटर, उसके जैसे मत फोड़ दे। सो गाइस यू कैन सी नाउ, है ना, तो देखो ये बड़े नंगे पूरे रईस लोग बैठे हैं गाइस, ठीक है। आप ठीक लग रहा है? मैं बस एक थोड़ा सा अवल दर्जे का है। सब बटन चालू करो, सुबह सुबह ब्लॉग डालेगा ना तब तुम सबकी असलियत बाहर आएगी कि क्या कर रहे थे तुम लोग। जय राम जी की प्रणाम। हम भैया गरीब आदमी लोग हैं, हम ऐसी जगह में बैठे हैं, क्या कर लें जनाब, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, चखना नहीं है यहाँ पे कुछ खाने के लिए, इसने पार्टी करवाने के लिए यहाँ चखना नहीं, एक देखो टेबल में एक कुछ नहीं है चखना। तो हेलो गाइस, आज अर्जुन परदेती जी का बर्थडे था, तो हम आए थे इधर कैफे आए थे। मैं आप इनसे
पूछना चाहता हूँ कि आज आपका बर्थडे में आप क्या बोलना चाहोगे? तो मैं अर्जुन परदेसी जी से ये गुजारिश करूँगा कि आपके बर्थडे में आप क्या कहना चाहोगे। तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग बैठे हैं गाइस, तो इन्होंने क्या किया है, पार्टी ले लिया भाई साहब, लेकिन केक नहीं काटा है। ये देखो गाइस खाली टेबल है, ठीक है, केक ना पेस्ट्री कुछ खिलाया है, भिखारी लोग इतने गरीब दोस्त लोग हैं भाई। राहुल गौर से फोन आ रहा हूँ मेरे पास भाई, इसमें फोन आ रहा हूँ, बात करो उससे।